हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडियो मंत्र। और यहाँ पर एक मतलब मैंने देखा कि कई बच्चे जो है कमेंट में पूछ रहे थे, ठीक है, जब मैंने लास्ट टाइम लाइट का न्यूमेरिकल दिया उसके बाद ही देखा, मैंने कई अलग अलग वीडियोज पूछा था, तो लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिनका भी शुरू हुआ है वो लोग बोल रहे थोड़ा रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि वो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उस पर सॉल्व करना होता है। लाइट चैप्टर थोड़ा उस मामले में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा होऊंगा जो आपके लिए बड़ा 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 हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए सबसे पहले कि कुछ बेसिक बुनियादी बातें करते हैं, देन आई विल कम टू द मेन एजेंडा क्या क्या यहाँ पर है। ये तो पता है ना कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, सर साइन कन्वेंशन बता रहे हो क्या? नहीं, थोड़ा सा आपको बस जो बच्चे जिनको थोड़ा बेसिक्स ब्रशअप करना हो तो बता दे रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है उसको माइनस में लिखो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, एफ जो है कॉनकेव का नेगेटिव कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फर्क नहीं पड़ता। अगला है नेचर ऑफ द इमेज कैसे पता करते हैं, नेचर ऑफ द इमेज कैसे पता करते हैं? तो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर और साइज पता करने का तरीका है मैग्निफिकेशन निकाल के। मैग्निफिकेशन तुमने निकाला, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आया, ठीक है। अब इसमें प्लस और माइनस बताता है नेचर। प्लस जो है वो ये बताता है कि प्लस है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। अगर मान लो कोई पॉजिटिव नंबर आया, तुमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लिया, कोई प्लस पॉजिटिव नंबर आया, तो प्लस साइन ये बता रहा है कि भाई इरेक्ट इमेज है, और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो गया, नेचर पता लग गया। माइनस है तो रियल इन्वर्टेड। साइन की कहानी समझ में आ गई। अब जो नंबर है मैग्निफिकेशन तुमने निकाला तो प्लस या माइनस आया, और कोई नंबर भी आया ना, तो वो जो नंबर है अगर इक्वल टू वन है तो मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट की साइज़ का है, सेम साइज़ का है। अगर लेस देन वन है मतलब इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से, ग्रेटर देन वन है मतलब क्या, इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है या फिर एनलार्ज्ड है। तो मैग्निफिकेशन से ये सब चीज़ें जब भी सवाल ने पूछा हो तो आप समझ जाना। अगला है एग्जैक्ट इमेज की हाइट कब निकालते हैं, एग्जैक्ट इमेज की हाइट कब निकालते हैं, मतलब एच डैश कब निकाल पाओगे एग्जैक्टली, सेंटीमीटर से या मीटर जो भी है, कब निकाल पाओगे? जब ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट हाइट यानी एच दिया होगा। अगर एच नहीं दिया और फिर भी फाइंड द साइज ऑफ इमेज बोला है तो आप उसमें क्या बताओगे? जैसे मैग्निफिकेशन निकालोगे, मान लो 3 आया तो मतलब 3 टाइम्स एन लार्ज, 2 आया तो 2 टाइम्स एन लार्ज, ठीक है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर बताते हो, उसमें फिर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट कब निकालेंगे? जब एच दिया हो तभी एच डैश निकल सकता है। अगला है इमेज, अगर तुमको मान लो सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है इमेज जो है वॉल पे फॉर्म हो रहा है या स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है, जब भी वॉल या स्क्रीन का जिक्र हो सवाल में तो आप समझ जाना कि ये किस टाइप का इमेज की बात हो रही है, दैट विल बी ऑब्वियसली रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन या वॉल पे नहीं फॉर्म हो सकता। तो ये एक हिंट होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है जिससे तुम्हारा सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या जस्ट फॉर्मूला से काम चल जाएगा? ये आगे हम थोड़ा सा मुद्दे पे कि क्या सिर्फ चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ लेने से लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, सिर्फ यही कर लेने से हमारा काम चल जाएगा क्या, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा क्या? इस चैप्टर में तो एटलीस्ट नहीं। इस चैप्टर में फॉर्मूला के अलावा तुमको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, जिसका बेसिक्स मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। और इसके भी अलावा तुमको रे डायग्राम, जब तक रे डायग्राम की कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है किसी न किसी क्वेश्चन में फंसोगे। अगर तुमने रट्टा भी मारा है किसी न किसी क्वेश्चन में फंसोगे, तो रे डायग्राम मस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। साइन कन्वेंशन एंड ऑब्वियसली फॉर्मूलाज, ठीक है। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन या रे डायग्राम नीडेड है? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पे हो जाता है, ठीक है। कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली कर पाओगे। हाउ टू मेक इट सुपर इजी, कैसे आसान बनाया, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, लगाना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर के लाइट के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, मान लो पिछले 5 साल का तुमने निकाली, अलग अलग सेट होते हैं, तुमको बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है। और जितना वो प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उसके बाद फिर कोई भी सवाल आए तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल करने के स्टेप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप डिफरेंट होगा,
पहला तो ये है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जब भी न्यूमेरिकल दिया है लाइट चैप्टर का अच्छे से, वो तो कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं सर, ये जो चीज़ है ना ये कोई भी वाले में नहीं करते हैं। यहाँ पर रे डायग्राम, जब भी कोई सवाल दिया हो खासकर मिरर लेंस का, तो वहाँ पर रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो रफली खुद के लिए, ताकि वो कंडीशन या जो केस है वो समझ पाओ कि आप पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की या इमेज की, एग्जैक्टली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ पाए। ये आ गया ना तो इसके बाद बहुत ईजिली तुम जो है चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि जो डेटा होता है गिवन, डायरेक्टली गिवन जो रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाइट जो भी है, प्लस इनडायरेक्ट डेटा, जैसे मैंने बताया कि वॉल पे इमेज बन रहा है तो रियल इमेज हो गया, तो वो उस तरह की चीज़ है। गिवन वाला पार्ट हो गया, फिर क्या फाइंड करना है उसको लिख दिया आप, सिंबल्स की फॉर्म में लिखोगे एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये सब लिखोगे। ऐसा नहीं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू, दिस आर दी बेसिक्स, जिससे पता चले भाई क्लिक होगा ना कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ओके, फॉर्मूला और कैलकुलेशन ये उसके बाद। सो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो इसमें ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रे डायग्राम क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करो रे डायग्राम बनाने की, अगर लेंस या मिरर की बात करी गई हो, ठीक है। और सिर्फ न्यूमेरिकल में नहीं, जब भी हो सकता है कि किसी एमसीक्यू में भी काम आ जाए, किसी जनरल क्वेश्चन में भी काम आ जाए, लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है तो उसमें काफ़ी बार ये चीज़ हो जाती है हेल्पफुल, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछना, ठीक है। कुछ और कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।